वेलकम गाइस, जे के लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे के लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। राइट, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे भौतिक विज्ञान के, ठीक है, फिजिक्स के। सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, जाके देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे है, कैपेसिटर वाले हैं ना और रेजिस्टेंस वाले बहुत सारे हमने सॉल्व किए थे। तो वीडियो तो रोजाना मिलते रहेंगे आपको हमारे चैनल पर, आपको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोविंग इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आपका जो नीरेनबर्ग है और अरविंद खुराना। ऑप्शन आपके सामने है जी, वंशागति और उपापचयी रोगों के संबंध का सुझाव। यहाँ पर दिया हुआ है कि बी डीएनए की खोज, कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण, चारकाफ नियम का प्रतिवादन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। और तैयारी इतनी अच्छी करवा रहे हैं हम आपके लिए, कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण। ओके, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल का सही अनुक्रम में? विच ऑफ द फ्लोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन हैज ए करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पर दिया हुआ है ग्लाइसिन, मेथियोनिन, लाइसिन, वेलिन, लाइसिन, वेलिन, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, मेथियोसिन। तो आप इसको पढ़ सकते हो और सही आपको टिक लगाना है जी। और गाइज, आपके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, तीन तीन चैनलों पर रोजाना वीडियो अपलोड कर रहे, तीन तीन चैनलों पर, साइंस एम के चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर भी आपके लिए एमसीक्यूज हम अपलोड कर रहे, लिंक दिया हुआ है। और दूसरा जीके एमसीक्यू एमके चैनल, इन दोनों चैनलों का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल सके, तिगुना पोषण आपको मिल सके, तिगुना पोषण, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रोजाना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन, ठीक है, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन। सिंपल, मेथियोनिन कहाँ दिया हुआ है, सिंपल, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एलानिन या फिर मेथियोनिन, बताइए। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेथियोनिन। गाइज, आप पहले टिक लगाया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस अच्छी तभी होगी जब आप पहले टिक लगाओगे ना, तब जाके, क्योंकि आंसर तो हम बता रहे हैं सारे के सारे, तो पहले आप टिक लगाया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। अगला क्वेश्चन, क्वाइजमेटा को सर्वप्रथम निम्न में देखा गया, किसमें देखा गया बताओ, स्थूल पट में, युग्म पट में, या फिर आपके जो डिप्लोटीन बोलते हैं उसमें, या फिर लेप्रोटीन में। क्वाइजमेटा को सर्वप्रथम निम्न में किसमें देखा गया, पैकेटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटीन या फिर लेप्रोटीन। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिप्लोटीन में देखा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन, सो इसका फाइनल हो गया था ना आपका डिप्लोटीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो लॉन्ग है बट इजी है। जैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण कचरे है, बताओ जी। बेबल रैम्स, पीवीसी पाइप और बैकलाइट सीवेज, खाली दूध के पैकेट, पुराने कपड़े और डीटीटी, या फिर प्लास्टिक,
कैन घास और डीडीटी या फिर लकड़ी सड़ा भोजन और सब्जियों के छिलके। ऑप्शन आपके सामने है, इजी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लकड़ी सड़ा भोजन और सब्जी के छिलके। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो रोजाना मिलते रहेंगे आपको, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी क्वेश्चन होगी तो। 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की संख्या है। द नंबर ऑफ मायोटिक डिवीजन इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 125, 50, 200, 400। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे मिलेंगे आपको, फिजिक्स के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, है ना, तीनों चैनलों पर रोजाना हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। साइंस एमकेएस पे भी और जीके एमसीक्यूज एमके पे भी। ठीक है, असुगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ पार्टिकुलर क्रोमोसोम इन एंटीबॉडी इज कॉल्ड। त्रिगुणसूत्रता यानी कि 2n+1, द्वि अधिसूत्र यानी कि 2n+2, द्वि न्यूनसूत्र यानी कि 2n-2, या फिर एक न्यूनसूत्री 2n-1। बताओ, पहले आप लगाओ टिक और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना उससे मैच करना क्या सही था आपने टिक लगाया, जो फिर कंपेयर कर सकते हो आप कि आपकी कंडीशन क्या है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो सके, यही हम प्रयास करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक सूत्र न्यूनता, राइट, 2n-1। जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका गलत था वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखे। अगला क्वेश्चन, खाद्य खराब होने के रोकने के लिए खाद्य परीक्षण विधियों में मूल अवधारणा है। द बेसिक कंसेप्ट इन फूड प्रोसेसिंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज एयर। उपयोग सभी, केवल भंडारण के दौरान ताप क्रम का कम होना, केवल पानी की नमी को निकालना, केवल पीएच की कमी। बताइए मूल अवधारणा है। सिंपल, उपयोग सभी यानी कि टेम्परेचर कम होना भी, केवल पानी की नमी को निकालना भी, और केवल पीएच की कमी भी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इजी है, बॉटनी। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हार्ड है, बॉटनी इजी है, ठीक है ना। हाँ, जूलॉजी के कंपैरिजन में अजीब सा लगता है बट है इजी। बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया तब होती है जब द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन टैक प्लस वेन। जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है। जड़ दबाव के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है। जड़ का दबाव कम होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है। जड़ दबाव वाष्प उत्सर्जन की दर के बराबर होता है। सिंपल, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले तो आप लगाओ टिक। 5 सेकंड हमने आपको दिए, टिक आपने वैसे लगाया होगा क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, तो टिक तो आपने वैसे लगाया होगा ताकि आपके अंदर का वो तो निकले जो भी आप ईगो मानते हो कि हाँ हमारा ये सही है। लगा दिया होगा आपने भी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है, राइट, तब जाके आपका बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया तब होती है। कब होती है? जड़ का दबाव अधिक और वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है तब। अगला क्वेश्चन, आवर्त बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को कहा जाता है। अंतकाष्ठ, रस काष्ठ, नरम लकड़ी, सख्त लकड़ी। जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को कहा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, टिक लगा दिया होगा आपने भी, नरम लकड़ी। अगला क्वेश्चन, नाम पत्ती के सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित है। केवल पहला भाग सामान्य यानी कि जेनेरिक एपिटेट होता है और दूसरा भाग विशिष्ट संकेत पद को दर्शाता है। केवल नाम को लेटिन या लेटिनाइड से व्युत्पन्न किया जाना चाहिए
केवल मुद्रित किए जाने पर वैज्ञानिक नाम को इटैलिक से लिखा जाना चाहिए और लिखे जाने पर रेखांकित किया जाना चाहिए या फिर उपयोग सभी। द यूनिवर्सल रूप ऑफ द नोमेनक्लेचर इंक्लूड राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयोग सभी, यानी कि सारे क्वेश्चन सही है इसमें ऑप्शन। और गाइज आपने जीके एमसीक्यूएम के चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लो, वहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं और साइंस एम के चैनल पर भी आपको मिलते रहेंगे। दोनों चैनलों के लिंक नीचे दिए हुए साइंस एम के और जेकलोन के लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। पौधों की दीप्तकाल यानी कि फोटो पीरियड प्रतिक्रिया के द्वारा देखी जाती है। द फोटो पीरियड रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इज प्रिजर्व बाय द फूलों की कलियां, पत्तियां, पुष्प या फिर मेरिस्टेम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पत्तियां, लीव्स। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथ को जनक के रूप में जाना जाता है, किसके जनक के रूप में? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथ इज नोन फादर ऑफ श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटीन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप में पैक ट्रांसक्रिप्शन रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिन्हित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन रेटिकुलम या फिर हेट्रोक्रोमेटिन। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका यूक्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन, जल 82.82 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री सेंटीग्रेड के कवतना के नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न के रूप में जाना जाता है, उबालना, प्रेशर कुकिंग, बाप या स्टीमिंग या फिर सिमरिंग, क्या बोलते हैं गाइस उसको? 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड के कवतना के नीचे, सिंपल इसको बोलते हैं सिमरिंग, ठीक है। सो गाइज आपके 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए, कितने सही है कितने गलत है ये तो आप खुद एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और जो दो चैनल है उसकी कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से, आपको लिंक वैसे दिए हुए। सो सिंपल, जैसे कि आपका मोबाइल है और ये आपका यूट्यूब है, ठीक है, इसमें सर्च का ऑप्शन आता है यहाँ पे, सबको पता है यहाँ पर हम जो भी सर्च करते हैं वो हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है? SCIEN साइंस एम के सी वाला, तो आपको हमारा ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, इसको क्लिक कर लेना, वीडियो सेक्शन पर चले जाना। ये देखिए यहाँ पर भी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चैनल है, उसका भी नाम हम आपको बता देते, एक तो ये हो गया और वापस ये एक आपको जीके एमसीक्यू एमके ये वाला, ठीक है। ये आपको सर्च करना है, लोगो कौन सा आएगा ये आप देख सकते हो, यूट्यूब ने हमको टॉप पे रख दिया, अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो टॉप पे तो रखना ही है, और यूट्यूब की तरफ से अवार्ड आ जाए तो कहना ही क्या बात आने वाला है कुछ दिनों में। तो ये देखिए, कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से, इस चैनल पर भी हम आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए।